तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग की जो गुडलक ऐप होती है दोस्तों, उसके अंदर एक मॉड्यूल होता है होम अप मॉड्यूल, उसके अंदर एक अपडेट आया है दोस्तों। उस अपडेट के बारे में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप समझ पाएंगे। दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ उस ऐप के बारे में जिसमें होम अप ऐप के बारे में जो कि गुडलक का मॉड्यूल है। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ कर गुडलक ऐप के अंदर। गुडलक ऐप के अंदर आप जाएंगे तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ बैक। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ होम अप में आपको एक नया अपडेट मिल रहा होगा। यहां पर एन का निशान आपको दिख रहा है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे एन के निशान में, वो ऑटोमेटिक आपको गैलेक्सी स्टोर पर ले जाएगा। गैलेक्सी स्टोर पर जाने के बाद आप देखेंगे ये अपडेट यहां पर नया रोल आउट किया गया है। ठीक है, इस अपडेट में आप देखेंगे इस अपडेट का जो वर्जन है, इस अपडेट का वर्जन है 13.00.43 इस अपडेट का वर्जन है। और नीचे की तरफ देखेंगे इसमें क्या किया गया है, 4.1 में इसको सपोर्ट अच्छे से कर दिया गया है, जिसमें अगर 4.1 UI आ गया था उसमें सपोर्ट की प्रॉब्लम आ रही थी तो उसको सोल्यूशन कर दिया गया है। जैसा कि मेरे पास A52S है, इसमें 1 UI 4.1 का अपडेट है, तो हो सकता है उसके बाद कुछ चेंजेस किए गए। और नीचे क्या गया है, फिक्स द नंबर एरर ऑफ डायरेक्ट शेयर, फिक्स द नंबर एरर ऑफ डायरेक्ट। अगर आप डायरेक्ट शेयर वाला मेन्यू पे जाते हैं तो वहां पर जो भी नंबर दिखते थे उसकी जो भी प्रॉब्लम थी उसको यहां पर फिक्स कर दिया गया है। और नीचे की तरफ आएंगे तो इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया है, 19 जुलाई, मतलब आज ही के दिन इस अपडेट को रोल आउट किया गया है, जो कि है 22 MB का। अब इस अपडेट को कर लेते हैं, अपडेट के बाद देखते हैं जो यहां पर लिखा है कि फिक्स द नंबर एरर ऑफ डायरेक्ट शेयर वाला वो कहां तक सोल्यूशन हुआ है। तो इसको होने देते हैं अपडेट, अपडेट के बाद देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये अपडेट हो चुका है। अपडेट करने के बाद आपको वापस गुडलक ऐप में जाना है, तो गुडलक ऐप में चले जाते हैं। यहां पर ऐप में जाने के बाद यहां पर अब जाना है आपको होम अप मॉड्यूल पे। वहां पर क्या लिखा था, डायरेक्ट नंबर ऑफ शेयर है वहां पर, उसको फिक्स किया गया है। तो ये वर्क कैसे करता है वो बता देता हूं। यहां पर अपन को जाना है शेयर मैनेजर में, शेयर मैनेजर में जाएंगे। यहां पर आप देखेंगे ऊपर की तरफ आपको हाईलाइटेड दिख रहा है, जैसे 4 सिलेक्टेड दिख रहा है उसी को यहां पर रेक्टिफाई किया गया। आप देखेंगे यहां क्या लिखा गया, फिक्स द नंबर एरर ऑफ डायरेक्ट शेयर, जो एरर है उसका मतलब जो फिक्स द नंबर है ऊपर जो आते थे उसका जो भी एरर था यहां पर फिक्स आउट कर दिया गया। आप देख रहे होंगे इसको यहां पर फिक्स आउट कर दिया गया है। और यहां पर मुझे लगता है इसके अंदर एक चीज और की गई है, यहां पर पहले कॉन्टेक्ट में नीचे जो आ रहा है ना एड फेवरेट डायरेक्ट शेयर ऑप्शन, पहले नहीं आता था, अब उसको पहले आता होगा तो कुछ अलग तरीके ऐसा था, बट इस अपडेट के बाद मुझे ऐसा लग रहा है वो चेंजेस कर दिया गया है। आप यहां पर देखें जैसे मैसेज का है तो मैसेज से रिलेटेड जो भी मेरे कॉन्टेक्ट हैं वो नाम अलग दिख रहे हैं, जिनको मुझे ऊपर डालना हो तो मैं ऐसे डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ। ऐसे ही अगर गूगल ड्राइव से रिलेटेड जो यहां पर है और व्हाट्सएप से रिलेटेड जो भी मेरी ज्यादा चैटिंग्स होती हैं वो ऊपर की तरफ आपको एक एक कॉन्सेप्ट दिख रहे होंगे जो कि पहले नहीं आते थे। मुझे ऐसा लगता है इस अपडेट के बाद उसको रेक्टिफाई कर दिया गया। आप ऊपर देखेंगे जैसे कि मैंने तीन लोगों को यहां पर सेट करा हुआ है तो ऊपर हाईलाइटेड हो रहे हैं, जैसे एक मेरी फोटो आ रही है, एक ग्रुप है व्हाट्सएप का और एक और मैसेज का है, तो ये यहां पर मैंने फिक्स आउट सेट कर दिया गया। अब एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है वो देखते हैं। ठीक है, ये सब सेट कर दिया है, यहाँ पर सेट करें। अगर आप नहीं चाहते कि कॉन्टेक्ट आपके वहां पर शो हो तो आप यहाँ शो डायरेक्ट शेयर पर क्लिक करेंगे, ये आपको सेटिंग पे ले जाएगा और आपको यहाँ पर शो कॉन्टेक्ट वेन शेयरिंग का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे तो वहां पर कॉन्टेक्ट वाला ऑप्शन बंद हो जाएगा। आप देखेंगे वो बंद हो चुका है, तो अगर आप उसको चाहते हैं तो यहाँ पर जाके आपको उसको यहाँ पर ऑन पे कर लेना है तो वो वापस आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर गैलरी में कि एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ गैलरी में। गैलरी में आने के बाद मान लीजिए मैं अगर कोई सिंगल इंडिविजुअल है मेरे पास और अगर मैं उसको शेयर करता हूं तो पहले इंडिविजुअल का आइटम का वो शो नहीं होता था कि कितने हैं। अब यहां पर आपको एक आइटम शो हो रहा है कि आपने एक चीज को सिलेक्ट करके रखा है और आप यहां पर किस किस को जगह शेयर करना चाहते हैं। लाइक यहां पर व्हाट्सएप से रिलेटेड है तो यहां पर आप क्लिक, सारी एप्स आपको यहां पर मिल जाएगी। ऐसे ही अगर यहां पर आप कॉन्टेक्ट से रिलेटेड है, व्हाट्सएप के सारे कॉन्टेक्ट, पहले कॉन्टेक्ट वही आएंगे जो कि आपने एड ऑन किए हैं, उसके बाद जो भी आप ज्यादा कॉल करते हैं वो ऑटोमेटिक यहां पर सजेशन पे आ जाएंगे। एक चीज हो गई, अगर आपने यहां पर मल्टीपल सिलेक्ट कर लिए तो वहां पर जो भी प्रॉब्लम थी उसको यहां पर सॉर्ट आउट कर दिया। लाइक मैंने ये मल्टीपल सिलेक्ट कर लिए हैं, अब यहां पर देखेंगे तो आपको बता दी देगा कि 14 आइटम यहां पर आपने सिलेक्ट करे हैं जिसका साइज है 1.34 GB का, यह साइज है। और नीचे एक ऑप्शन वाला दिख रहा है, यहां पर आप जाएंगे तो कोई भी अगर फोटो या वीडियो आपने अगर गैलरी से एडिट करी होगी, अगर आप सैमसंग मोबाइल पर भेजेंगे तो वहां पर भी एडिट पे वो वापस आप अंडू भी कर सकते हैं, तो आप यहां से अनटिक कर दीजिएगा।
मेन चीज ये है कि यहाँ पर जो भी आइटम थे उसको सही तरीके से रेक्टिफाई कर दिया गया है। अब वहां पर एक्चुअल आपको दिख रहा है, पहले भी मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं, मैं तो पहले से यूज कर रहा हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। हो सकता है किसी को कुछ बग्स दिखे हो यहाँ पर, उसको रेक्टिफाई कर दिया गया है दोस्तों। यही नया अपडेट था। अगर आपको नहीं पता होमअप जो मॉड्यूल है उसको कैसे यूज करते हैं, उसके लिए एक्चुअली मैंने वीडियो बना रखी है पूरी, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, जाके आप जरूर देखिएगा दोस्तों। और हो सके तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो में कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में नोटिफिकेशन वाला आइकन दबाना ना भूलें, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों।